हेलो एवरीवन, मैं वंदना और डेविलिश डिलीशियस में आपका स्वागत है। समर्स आ गए हैं और समर्स में हमेशा कुछ रिफ्रेशिंग ड्रिंक की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए आज हम बना रहे हैं एकदम फ्रेश और जूसी फ्रूटी। तो ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी, तो आइए देखते हैं इसे आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। फ्रूटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 पके हुए आम। तो यहाँ पर मैंने हाफूस आम लिए हैं। जो भी मीठे और पके हुए आम आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ली है 1 कच्ची केरी। तो आप यदि 2 आम ले रहे हैं तो आपको 1 कच्ची केरी लेनी है, यानी 2:1 का रेशो है। हम सबसे पहले इसे छील लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। मैंने आम और केरी को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इस बात का ध्यान देना है कि आम एकदम अच्छे पके हुए होने चाहिए और केरी जो है वो अच्छी खट्टी होनी चाहिए। जब मैं आम और केरी काट रही थी तभी मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर करीब मैंने 1.25 लीटर पानी लिया है, यानी 1/2 लीटर से आप थोड़ा ज़्यादा समझ सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कि केरी, हम इसमें पहले केरी डालेंगे, उसकी थोड़ी देर बाद हम इसमें आम डालेंगे। ठीक है, इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसे कवर करके करीब करीब 1 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे। 1 मिनट में इसका बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इस पे डालेंगे पका हुआ आम। आम डालने के बाद हमें इन दोनों को तब तक पकाना है जब तक ये बहुत ही अच्छे से मैश ना हो जाए, यानी चम्मच से हम दबा के देखेंगे। यदि चम्मच से आसानी से दब रहा है यानी हमारे ये आम और जो कच्ची केरी है वो बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। 1 मिनट कच्ची केरी को पकाया, अब हम 5 मिनट आम और कच्ची केरी को वापस साथ में पकाएंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर हमारे आम और केरी बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए केरी भी बहुत अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर के बाद हमें इसे 3 से 4 मिनट और पकाना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ करीब करीब 125 ग्राम शक्कर। आप 125 ग्राम से 150 ग्राम तक शक्कर ले सकते हैं। मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, यदि आप मीठा पसंद है तो यहाँ पर 150 ग्राम से ज़्यादा शक्कर भी ले सकते हैं। तो शक्कर इसमें अच्छे से घुल जाए तब तक हम इसे एक बार और पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। केरी और मैंगो जो है बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए। तो टोटल करीब करीब हमने इसे 8 से 9 मिनट पकाया है जिसमें बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। अब हम इसे गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हम इसे चाहें तो पंखे के नीचे भी ठंडा कर सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। करीब 1 से 1.5 घंटे में अच्छा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। जो हमारा फ्रूटी का मिक्सर है बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं और इसमें हैंड ग्राइंडर भी घुमा सकते हैं। तो मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने के बाद हम इसे छान लेंगे। इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि छोटे छोटे जो भी इसमें आम के या कैरी के रेशे होंगे वो निकल जाएंगे। छानने के बाद ये ऊपर का इस तरह से थोड़ा सा जो बचेगा इसे हम फेंक देंगे। छानने के बाद ये बहुत ही स्मूथ हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। यदि आपके आम अच्छे पके हुए होंगे तो इसका कलर वाकई में बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें मिलाएंगे करीब 1/2 लीटर पानी, क्योंकि अभी बहुत गाढ़ा है। तो मैं यहाँ पे इसमें एक बार 1/2 लीटर पानी मिक्स कर रही हूँ। 1/2 लीटर पानी मिलाने के बाद भी मुझे यह थोड़ा थिक लग रहा है, तो मैं इसमें 1/4 लीटर पानी और मिलाऊँगी। तो हमारा जो पल्प था करीब करीब मैंने इसमें अभी 1 से 1.25 लीटर पानी और मिला लिया है। तो टोटल करीब करीब मैंने इसमें 2.5 लीटर पानी का यूज़ किया है। अभी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी एकदम बराबर लग रही है, न ये बहुत ज़्यादा थिक है और न ही बहुत ज़्यादा पतला। रेडी हो गई हमारी फ्रूटी। अभी यदि हम इसमें इस समय बर्फ़ डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी, तो हम इसमें बर्फ़ नहीं डालेंगे। हम बाउल को ऐसा का ऐसा ही फ्रिज में रख देंगे और इसे फ्रिज में ही करीब 2 से 3 घंटा अच्छा ठंडा होने देंगे। आप इस समय यहाँ पर एक बार इसे टेस्ट कर लें, यदि आपको लगता है कि ये थोड़ी कम मीठी हुई है तो आप इस समय इसमें शक्कर डाल सकते हैं। पर शक्कर आपको कच्ची नहीं डालनी है, कच्ची शक्कर डालने से आप इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसमें पानी में थोड़ी शक्कर को बॉईल करके फिर डालना है। जब शक्कर का पानी अच्छा ठंडा हो जाए तब आप इसे इस समय इसमें यहाँ पर मिला लें। आप इसमें शक्कर और पानी दोनों ही आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ी
और पतली फ्रूटी चाहिए तो आप इसमें और थोड़ा पानी मिला सकते हैं, और आपको थिक फ्रूटी चाहिए तो आप इसमें पानी कम डालें। फ्रिज में हम इसे ठंडा करने रख रहे हैं, उसके बाद भी यदि आपको बहुत ज़्यादा चिल्ड चाहिए तो आप अपने ग्लास में ही आइस डाल सकते हैं। यदि आप पूरे में आइस डाल देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप पूरी फ्रूटी में एक साथ आइस न डालें। और एक बात मैं यहाँ पे और बोलना चाहूँगी कि आप इसे हो सके जब तक कांच के बर्तन, जग या बॉटल में ही स्टोर करके रखें, प्लास्टिक के बर्तन और स्टील के बर्तन में इसे स्टोर नहीं करें। यदि आप फ्रूटी इमीडिएट सर्व करने के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप जितना भी पानी यूज़ करें बिल्कुल ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये बनाते वक्त ही ठंडी हो जाएगी। मेरे बेटे को ये अभी के अभी पीनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आइस। मैं इसे अभी ठंडा करूँगी, तो मैं पूरे में आइस नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ ग्लास में ही आइस डाल रही हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रूटी, यहाँ मैंने ली है कच्ची केरी। कच्ची केरी की जगह आप आम भी ले सकते हैं। और मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से इस पर मिर्च लगा कर इसे इस पर लगा देती हूँ। रेडी है हमारी होममेड फ्रेश जूसी फ्रूटी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप कोई नई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।